ये जो बाहर गए ना, उनको जरा पूछे एक कच्छ तिबू क्या है। और ये डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं, मोदी जी कच्छ तिबू वापिस ले आइए। तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था, कौन था उस समय, श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। मैं जरा इनको जहां भी हो जरा मेरा सवाल अगल बगल में बैठे हुए को जवाब दे। ये जो बाहर गए ना, उनको जरा पूछे एक कच्छ तिबू क्या है, कोई पूछे इनको कच्छ तिबू क्या है। इतनी बड़ी बातें करते हैं ना, आज मैं बताना चाहता हूँ ये कच्छ तिबू क्या है। और ये कच्छ तिबू कहाँ आया जरा उनको पूछ लीजिए। इतनी बड़ी बातें लिख करके गए, देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं और कहते हैं मोदी जी कच्छ तिबू वापिस ले आइए। एक कच्छ तिबू है क्या, किसने किया? तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था, कब दिया था, कहाँ गई थी, क्या ये भारत माता नहीं थी वहां, क्या वो मां भारती का अंग नहीं था? और इसको भी आपने तोड़ा। और कौन था उस समय, श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। कांग्रेस का इतिहास मां भारती को छिन्न भिन्न करने का रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, और कांग्रेस का मां भारती के प्रति प्रेम क्या रहा है, भारत के वासियों के प्रति प्रेम क्या रहा है? एक सच्चाई बड़े दुख के साथ मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। ये पीड़ा वो नहीं समझ पाएंगे, मैं नॉर्थ ईस्ट के चप्पे चप्पे पर घुमा हुआ व्यक्ति हूं थी। और राजनीति में कुछ नहीं था तब भी अपने पैर वहां गिरता था। मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट है उस क्षेत्र के प्रति, इनको अंदाज नहीं है।